मतलब जहाँ सीएनजी भरवाते हैं ना यहाँ से, यहाँ सीएनजी लीक हो रही है। यहाँ पे ये नोजल है ना, ये नोजल को बंद कर दीजिए। सीएनजी जब लीक हो जाए तो आप गाड़ी और ना जाए लीक कर दीजिए। सन साइड देखिए, चेक करेंगे कहीं से लीक तो नहीं कर रही इसकी सीएनजी। वो बैठ गया है 900 रुपये का, मतलब भाई सीएनजी का मामला है तो कल परसों तक नहीं हो पाएगा। सो गाइस अभी सुबह में उठ के आए नीचे तो देखा गाड़ी की सीएनजी जो लीक हो रही थी यहाँ से बाहर, आगे जो इंजन है ना वहाँ से गाड़ी की सीएनजी लीक हो रही थी यहाँ से ना इस साइड से, यहाँ पे जहाँ सीएनजी भरवाते हैं ना यहाँ से, यहाँ सीएनजी लीक हो रही थी। तो गाड़ी स्टार्ट करते तो दिक्कत आती, तो फिर हमने यूट्यूब में देखा कि कैसे इसको ठीक करते हैं करके, लीकेज बंद जो है उसको बंद कैसे करते हैं। इसके बाद यहाँ से सीएनजी लीक हो रही थी यहाँ से ना, ये सीएनजी भरते हैं इनसे, तो इनसे लीक हुई थी। तो फिर पीछे से हमने सीएनजी का जो नोज़ल है ना यहाँ पे जो नोज़ल है ना ब्लू वाला, इसको हमने बंद कर दिया। तो अभी एक बार खोल के देखता हूँ उसको दोबारा से, कर रही है क्या लीक है, अभी आने में टाइम लगेगा, वहाँ पे रुक जा। हमने खोल दिया है वहाँ से, एक देखते हैं क्या होता है। अगर कभी भी आपकी सीएनजी लीक कर जाए ना कहीं से, तो ऐसे सिलेंडर से बंद कर दो उसको। कर रही है, यहाँ से लूज होता है ना ये भी लूज होता है, तो यहाँ से सीएनजी तब भी लीक कर दी। एक बार खोलिए उसको जरा, हाँ लीक कर दिया, बंद कर। दोस्तों अगर आपकी सीएनजी यहाँ से लीक कर रही है कभी, तो ये एक ये होता है ना ये, तो इसको भी ये बई भी बंद खोल होता है, तो अगर हल्का सा लूज होगा तो सीएनजी आपकी लीक करने लग जाएगी है ना। तो इसको भी टाइट नहीं कर दो, सीएनजी लीक करना बंद हो जाएगी यहाँ से। प्लस अगर कोई पाइप में आपकी कोई लीकेजिंग होती है तो वो लीकेजिंग आपकी यहाँ से बंद होगी। ये जो नोजल दिख रहा है ब्लू वाला, ये हमारा सिलेंडर है, देख सकते हैं सिलेंडर यहाँ पर सीएनजी का। तो यहाँ पर ये नोज़ल है ना, ये नोज़ल को बंद कर दीजिए। ये अभी ऑन है, इधर को घुमाओगे तो ये बंद हो जाएगी और उधर को घुमाओगे तो ये ऑन हो जाएगी। अब हमारा जो सीएनजी लीक हो रहा था आगे से, तो वो वहाँ से लीक हो रहा था, तो अभी वो ठीक हो चुका है। सो अगर कभी ऐसी कोई दिक्कत आती है तो सीएनजी जब लीक हो जाए तो आप गाड़ी ऑन ना करें। तो भाई ऐसी अगर कब की कहीं गाड़ी की जो भी सीएनजी लीक होगी, तो पहले उसको चेक करें, पहले उसका लीकेज बंद करें। मेन सिलेंडर से जो मैंने आपको दिखाया ना, एक ब्लू नोजल है उसका, वहाँ सीएनजी बंद कर लीजिए। फिर उसके बाद आप चेक, मतलब जहाँ पे भी है सीएनजी आपके नियर बाय, वहाँ पे जाके आप चेक करवा सकते हैं कि अंदर से कहाँ से लीकेज आ रही है, पाइप में से कहाँ से। सीएनजी जब लीक करती है तो तब गाड़ी स्टार्ट ना करें, थोड़ा रिस्क की मामला हो जाता है। सो इस वजह से तो बिना सीएनजी के पेट्रोल में गाड़ी चला लें, उसके बाद आके चेक करवाएं, ठीक है। दोस्तों हम आ गए सीएनजी के पास, जो सीएनजी का काम करते हैं मोड़ बंद में मीठापुर में। और फाइनली हम आ गए दुकान पे, यहाँ पे चुप जो है पूरा ख़राब हो चुका है अंदर से, इस वजह से लीक कर रही थी गैस। मैंने आपको पहले दिखाया था ना, गैस के अंदर से लीक कर रही है, जैसे कि घर का देखा होगा आपने, मैंने आपको दिखाया था कि बंद कर दिया, लेकिन उस वजह से पूरी ये गैस बंद हो गई थी। तो अभी मैं दुकान में आया तो भैया ने चेक करा, बता रहे इसमें दिक्कत है। तो अब जो ये है ना, ये दूसरा वाला है, अब इसको चेंज करेंगे, पूरा चेंज हो गया, ठीक है, पूरा चेंज हो रहा है अभी। और ये अपने पहले वाला भैया जिसने सीएनजी चेक करी थी वायरिंग की, और इसको चेंज कर रहे हैं। ये टेस्ट चुका है जो हमने चेंज करवाया, देखते हैं अभी करता है नहीं करता।
साग है हैम। दोस्तों लग चुका है, अब वो भाई जा रहा है वहाँ पर रहते हैं, ये करेगा सीएनजी चेक। अब यहाँ से सीएनजी का जो वॉल है वो खोलेंगे, यहाँ से हमने पहले बंद किया था घर में जब थे, तो यहाँ से ये खोलेगा सीएनजी का। यहाँ से सीएनजी खोल दी हमारे रोशन भाई ने, और यहाँ से सीएनजी अब लीक नहीं कर रही है, ओपन है नहीं, ये खुला ही नहीं है आज तक, मैं बता रहा हूँ ये 6 महीने ही चला हुआ है। तो क्या हुआ था, है कितने साथ का है ये, एक बार देख लेना सही से इसको, अच्छे से इसकी जो लीकेजिंग चेक करेंगे कहीं से लीक तो नहीं कर रही इसकी सीएनजी। नहीं सही है, पूरा सही बता रहे हैं, देख लेते हैं सारा सामान हम जा चुका है काम पे, निकाल पूरी गाड़ी का काम हो चुका है अच्छे से, सीएनजी का काम हो चुका है पूरा ठीक हो गई है। अब देखते हैं कितना खर्चा बैठता है इसका, देखते हैं अभी गाइस। फाइनली अब जो हम सीएनजी के जो उसको बोलते हैं फिलिंग वॉल्व जो है ख़राब हो चुका था वो पूरा ठीक कराया है, वो बैठ गया है 900 रुपये का, पुराना ही डलवाया है हमने क्योंकि इनके पास नया नहीं था, वो बोले थे कि कल परसों तक आएगा, तो हम कल परसों तक वेट नहीं कर सकते थे, इस वजह से हमने पुराना ही डलवाया उसको। नया अराउंड 1800-1900 रुपये का बता रहे थे, सो इन्होंने बोला कि कल परसों तक मंगा देंगे, तो हमने बोला भाई सीएनजी का मामला है तो कल परसों तक नहीं हो पाएगा, इस वजह से हमने अभी इसमें कोई, मैंने उससे बोला फिर कोई पुराना तुराना हो तो बस लगा दे, उसने पुराना लगा दिया। तो अब चलते हैं अब घर को, पहले भी इससे पहले भी आपने मेरी वीडियो में देखा होगा भाई को, अब देख पा रहे हैं वहाँ पे, मैं यहीं पे आया था सीएनजी का ठीक करवाने के लिए, और अब हम जा रहे हैं घर को सीएनजी का काम करवा के, पीछे सीएनजी की दुकान है यहीं से हम काम करवाते हैं, और हम जा रहे हैं घर को मोड़बंद में, सॉरी मीठापुर में इसकी दुकान है, अब हम जा रहे हैं घर को। इतने अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।